नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव ने अपना त्याग पत्र पार्टी को सौंप दिया है, तो बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से, जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड खुद को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं पार्टी के भीतर नेताओं के बीच की जो नाराजगी है वो अब एक एक करके सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह हो सकती है। चूंकि बात अगर हम करें तो राणा रणधीर सिंह चौहान शिवहर से आते हैं, वहां पर जो उनका रुतबा है वो काफी ज्यादा है, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। समय समय पर शिवहर जाकर जनता के बीच जाना, उनकी समस्या को सुनना, ये राणा रणधीर सिंह चौहान हमेशा ही करते थे। लेकिन सबके बीच पार्टी में नाराजगी को लेकर अपना त्याग पत्र इस वक्त प्रदेश महासचिव के पद से उन्होंने दिया है, जिसको लेकर ये जो पत्र है वो इस वक्त सामने आया है। पत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदेश महासचिव के पद से राणा रणधीर सिंह चौहान ने अपना त्याग पत्र दिया है। ऐसे में बात अगर हम करें तो अपने इस त्याग पत्र में राणा रणधीर सिंह चौहान ने लिखा है कि मैं प्रदेश जनता दल यूनाइटेड प्रदेश महासचिव पद से त्याग दे रहा हूं, कृपया मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर मुझ पर कृपा करें। हालांकि बात करें तो इसके पीछे की असली वजह क्या है, आखिर क्यों ये नाराजगी जो है वो देखने को मिली है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन एक तरफ जहां बिहार में 5 सीट पर राज्यसभा का चुनाव होना है, तो वहीं एक सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड के पास है, और इस एक सीट को लेकर काफी ज्यादा बवाल भी बिहार में हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा, तो वहीं जेडीयू के कुछ ऐसे नेता हैं जो आरसीपी सिंह से नाराज हैं, और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है, ये पेच फंसा हुआ है कि आखिर एक सीट पर किसे राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि खुलकर आरसीपी सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात किया, और उन्होंने ये भी बताया कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें केंद्र में भेजा, ऐसे में राज्यसभा भी उन्हें ही भेजा जाएगा। लेकिन इस बीच जहां एक तरफ नामांकन की प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही है, तो वहीं बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव के पद से राणा रणधीर सिंह चौहान ने त्याग पत्र जो है वो उन्होंने पार्टी को सौंपा है, जिसको लेकर अब ये चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों पार्टी के बीच, पार्टी के अंदर नेताओं के बीच की नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में आगे भी और क्या कुछ अपडेट बिहार में जनता दल यूनाइटेड के भीतर से निकलकर सामने आएगी, क्या कुछ जानकारी आएगी, ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पे प्रदेश महासचिव के पद से राणा रणधीर सिंह चौहान ने त्याग पत्र अपना पार्टी को उन्होंने सौंप दिया है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।